अस्सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और मैंने वहाँ पर आज आपके साथ अपने ख्यालात सामने रखने के लिए अपने पसंदीदा साफ़ी जनाब शाहिद मिथला साहब को मदु किया है। मिथला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको खुश आमदेद कहता हूँ मैं अपने प्रोग्राम में। और बड़ी खबरें हम आपकी, आपने मदु किया, आपकी खबरें हम देखते हैं, तो हमारी ख्वाहिश थी कि हम अपने नाज़रीन को आपकी तरफ से भी कुछ तोहफा दें, तो हमने कहा कि आज ये एहतमाम कर लेते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मिथला साहब, बड़ी खबरें शबरें गर्म है जनाब, जब इलेक्शन की तारीख आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती लेके दे दी और बड़ा हंगामा खेजी का दौर एक शुरू हो रहा है, तो ये नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान वापस आ गए, आज इस्तकाम पाकिस्तान का जलसा भी हुआ, तो ये इंतखाबी माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं, कुछ सियासी तादाद भी नए बनने वाले हैं, कोई नई सरबंदी हो रही है, आपके पास क्या खबरें इस हवाले से? बहुत शुक्रिया अगेन। देखिए, जहां तक इलेक्शन की बात है, जबरदस्ती वाली बात तो नहीं कही जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती लेके दी, बल्कि गैर रवायती तरीका जो हसबे मामूल तरीका था वो उन्होंने, काजी फायज ईसा साहब ने अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंगेज किया ECP को और उन्होंने कहा कि आप सदर मबलिकत के दस्तक दे सदर हैं, आपको जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे मुशावरत करनी चाहिए ताकि ये मसला जो है वो निमट जाए। मैं समझता हूँ उन्होंने इस मसले को बड़ा खुश उसलूबी के साथ निपटाया है। एक आध उन्होंने चीज़ ज़रा गलत कर दी, एक दो चीज़ें आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो जो सदर मबलिकत के हवाले से भी मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो सदर मबलिकत के हवाले से उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दे दिया, अदरवाइज उनको जो PTI की प्ली थी या दिगर जो दरख्वास्तें थी वो यही थी कि 90 दिन में इंतखाबात होने थे, जिसके मुताबिक 6 नवंबर से पहले इंतखाबात हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो चूंकि 90 दिन गुजर गए थे, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो सकी, तो फिर जजेस ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बराना तरीके से उन्होंने एक रास्ता निकाला है, वे फॉरवर्ड निकाला, विच इज़ रियली अप्रिशिएबल। बिल्कुल, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मैं हेल करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा इन अ वे कि वो फंसे नहीं है कि जी 90 दिन में क्यों नहीं हुआ, उसको बुला ले, उसको बुला ले। तो मैं कह रहा था कि वो बड़ा उनका जेस्चर बड़ा ज़बरदस्त था और उन्होंने बड़े खुश उसलूबी से इस फैसले को निपटाया है, और मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़बरदस्त राजा साहब फैसला है। मैं आप हम ऑन ग्राउंड रहते हैं हर वक्त, खबरों के लिए भी मिलना मिलाना भी सिलसिले ऐसे ही हैं हम सबके, तो देखिए इलेक्शन की वजह से जो गैर यकीनी थी, जो मायूसी की कैफियत थी, वो छटी है, वो कम हुई है, तो इस एतबार से कोई ना कोई कोई डायरेक्शन अब नज़र आना शुरू हो जाएगी, कोई उम्मीद बढ़ आएगी, और जो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है या जो बाहर बैठा हुआ इन्वेस्टर है या बाहर के लोग हैं, पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान से भी कैपिटल फ्लाइट हो रहा था, फ्लाई हो रहा था, यहाँ से भी फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा था, वो भी रुक जाएगा, यहाँ का हर, देखिए हर बिजनेसमैन यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, फिर आगे आते हैं जी, उस पर जो आपने सवाल किया था वो ये था कि क्या इंतखाबी लाइंस बन सकते हैं। देखिए, नो डाउट मैं ये बात बहुत शुरू से कर रहा हूँ कि इंतखाबात होंगे, जनवरी फरवरी में लाजमी होंगे, ये बहुत बड़ी कंपल्शन भी है, अगर कोई इवन ताकतवर हलके भी मुक्तदरा भी चाहती तो ये इलेक्शंस नहीं रोक सकती थी और अभी भी नहीं रोक सकती, उसके बड़े सारे रीजंस हैं राजा साहब, मैं फिर वो बताऊंगा, बताना शुरू करूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। खबरें भी हैं, देखिए हम एक कमेटी ऑफ नेशंस में रहते हैं, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जो बाइलेटरल या मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स हैं वो एक वो भी एक कंपल्शन है। IMF का मैं बड़े शुरू से कह रहा हूँ कि IMF आपसे इलेक्शन लेगी, और जो वो कल परसों उनकी मीटिंग्स हो रही हैं कल परसों से पाकिस्तानी हुकाम के साथ, दे आर मैंशनिंग के भाई आप जनरल इलेक्शन ऑन टाइम करवाएं और जनरल इलेक्शन होल्ड करें एज सून एज पॉसिबल, तो इस तरह की कंपल्शंस हैं। फिर आप के मुल्क में जो आपको बतौर मुल्क एंगेज करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं या दूसरे मुल्क हैं, वो भी चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, कोई परमानेंट गवर्नमेंट हो, इन प्लेस हो, तो उसके साथ मामला को आगे बढ़ाया जाए, तो ये बात, ये एक तरह से कंपल्शन। फिर आपका एक और हिस्सा कि बिल्कुल इंतखाबी माहौल बन गया हुआ है, नून लीग को पहले दिन से पता था, नून लीग को रादर आई वुड से कि एक साल से पता था कि ये इलेक्शंस कब होने हैं, और नून लीग की मंशा से ये इंतखाबात जो है वो डिले हुए। मैं वैसे ज़ाती तौर पर
इस बात का कायल हूँ कि इंतखाबात बिल्कुल डिले नहीं होने चाहिए थे। ये सदर मामलकत के पास अख्तियार मौजूद था। हम मीडिया वालों ने, हम में से कुछ लोगों ने बदनामी की सदर मामलकत पर, राजा साहब बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया। खैर वो खुद इतने चूचे भी नहीं हैं और उनको दबाव नहीं लेना चाहिए था, ना मीडिया का ना दाएं बाएं का। और उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार मौजूद थी, कॉन्स्टिट्यूशनल इस्तेहकार मौजूद था जिसका उनको इस्तेमाल करना चाहिए था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी न सिर्फ कल कहा है बल्कि आज भी उन्होंने जो हुक्मनामा लिखवाया उसमें भी दे हैव मेंशनड एज वेल, लाइक के सदर हैज ऑल दी, लाइक हैड ऑल दी अथॉरिटी टू अनाउंस द इलेक्शंस, और वो ही वाज सपोज्ड टू गिव डेट ऑफ इलेक्शंस, बट ही हैव फेल्ड टू परफॉर्म हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। तो ये था। तो बाकी जो लेकिन आज का जो ऑर्डर लिखवाया है चीफ जस्टिस साहब ने, उसके कुछ फिक्रे ऐसे हैं जिससे मुझे लगता है कि जैसे सदर मुमलिकत को उन्होंने शेर की सवारी करवा दी है, कि शेर की सवारी करनी तो बड़ी आसान होती है लेकिन जब उतरता है तो फिर वो शेर उसको खा जाता है। Exactly. जो उन्होंने अल्फाज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के बीच में लिख दिए कि ये जो आपने उस वक्त असेंबली तोड़ी इमरान खान की एडवाइस पे, वो आप नहीं तोड़ सकते थे और आपने आईन से गद्दारी की, ये लफ्ज उसमें लिखवाया है ऑर्डर में। बिल्कुल, तो जब सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत ने एक ऐसा लफ्ज डिक्लेयर कर दिया तो अब तो हुकूमत जब चाहेगी, जो इस सदर मुमलिकत सब अपने ओहदे से उतरेंगे तो वो एक रेफरेंस डाल देगी और वो आर्टिकल 6 वाला केस शुरू हो जाएगा। और अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो इस ऑर्डर की बुनियाद पर कोई शहरी भी जाके पिटीशन फाइल कर सकता है कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसमें वो भी फिक्स हो जाएंगे, एडवाइस देने वाले इमरान खान भी फिक्स हो जाएंगे, एडवाइस वो उसको मुस्तरद करने का हुक्म सुनाने वाले कासिम सूरी भी फिक्स हो जाएंगे, और कासिम सूरी ने जो रिटर्न हुक्म सुनाया था उसमें असद कैसर का नाम था, तो जिन्होंने वो वोटिंग नहीं करवाई, जिन्होंने वो असेंबली तोड़ी, तो ये सारे मामले फिक्स हो जाएंगे। तो ये शेर की सवारी करवा दी उन्होंने। बड़ी जबरदस्त बात की है, बिल्कुल मेरे जहन में था कि इसी तरह से अब वो चीफ जस्टिस ने रिलीफ एक तरफ दे दिया, चूंकि इलेक्शंस की डिमांड उन्हीं की थी, पीटीआई की थी, पीटीआई चाहती थी कि इलेक्शंस हों और एज सून एज पॉसिबल इलेक्शंस होने चाहिए, उन्हीं की पिटीशन पे, उनके साथ दो तीन और भी लोग थे बहरहाल, तो उन्हीं की पिटीशन पे उन्होंने फैसला तो दे दिया उनके हक में और उनकी एक तरह से जय जय भी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ ये अब जो उन्होंने सदर को फंसा दिया और बाकायदा उन्होंने लिखवा दिया है कि भाई उन्होंने आइन से गद्दारी की है, आइन की खिलाफ वर्जी की है, तो आर्टिकल 6 लगता है सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है। बिल्कुल, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, बल्कि उन्होंने दे हैव गिवन हिज वर्डिक्ट इन फैक्ट, और उन्होंने अपना फैसला दे दिया है, दे हैव गिवन रूलिंग ऑन दैट, वो उन्होंने रूलिंग दे दी हुई है। और ये डाउन द लाइन आपकी बात 100% दुरुस्त है कि सदर मबलिकत आगे जब भी इनकी ये इम्यूनिटी ख़त्म होगी, चूँकि आर्टिकल 48 के तहत तो उनके पास 2 साल की इम्यूनिटी है, और ड्यूरिंग द ऑफिस भी और आफ्टर 2 ईयर्स भी उनके पास ये इम्यूनिटी हासिल है कि उनको इंडाइट नहीं किया जा सकता किसी भी केस में, लेकिन 2 साल के बाद जैसी ये इम्यूनिटी उनका केस पेंडिंग करके बाकी लोगों के खिलाफ तो भी आ सकता केस। हाँ एग्जैक्टली, ये बड़ा जबरदस्त नुकता है। और जो मैं फ्रेंकली जो राज साहब आपने वो इमरान खान वाली असद कैसर वाली बात बताई, वो मेरे जहन में नहीं था, मेरे जहन में सदर आरिफ अलवी का था कि सदर आरिफ अलवी फंस गए हैं। लेकिन अब जो आपने जो बात की ये मेरे जहन में अभी आया। एग्जैक्टली, आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट निकाला कि भाई जिन लोगों ने एडवाइस दी थी वो भी फंस जाएंगे, और जिसने उस एडवाइस पर इम्प्लीमेंट किया और जिसने वो तहरीके अदम एतबाद उड़ा दी थी और अपोजिशन पर की वोटिंग नहीं होने दी थी वो भी फंस जाएगा, वो कासिम सूरी हो या इसमें मेहता साहब। एक और पॉइंट और भी मैं आपको आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल 6 की कोई भी अदालत बनती है, वो खसूसी अदालत बनती है जब भी आर्टिकल 6 का कोई ऐसा केस होता है, तो कोई भी खसूसी अदालत बनती है तो कानूनी तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकती, तो केस मतलब स्टार्ट होगा तो ऑलरेडी प्रूव्ड होगा कि उसका क्या फैसला आना है। जी एग्जैक्टली, एक तरह से वो उन्होंने तो रूलिंग दे दी है ना, ट्रायल कोर्ट की तरह बिहेव कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट की तरह उन्होंने दे दी। एग्जैक्टली, कि बात वो देखें, उनके पास जो नीचे वाले लोअर कोर्ट्स होंगे, स्पेशल कोर्ट बनता है जैसे मुशरफ के केस में बना था और बाकी केसेस में बनता रहा है इसी तरह के जो आर्टिकल 6 के केसेस होते हैं, तो उसमें 2000% आपका बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि बिल्कुल उनके पास राह फरार नहीं होगी बेंच के पास, कोर्ट के पास, कि वो किसी भी तरह से
दाएं बाएं निकल सकें, कोई गुंजाइश कानूनी एतबार से नहीं निकाल सकेंगे। ये ऐसे ही और है कि इसमें ये जो हाँ इसी के अंदर एक रहते चीज हुए, इसमें और भी इसी हुई है, रूलिंग के अंदर रहते हुए उनको फैसला देना पड़ेगा। एक चीज इसमें और भी हुई है कि ये जो आर्टिकल 6 जिन लोगों पे लग सकता है वो चार है, सदर मुमलिकत, वजीर आजम उस वक्त के स्पीकर और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर, उनमें से ठीक है सदर साहब के खिलाफ केस अलग हो सकता है कि जब वो अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे तो उसके बाद उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हो जाएगा, लेकिन बाकी लोगों के खिलाफ अभी हो सकता है। अच्छा, बाकी लोगों में से भी आप प्राइम जो मिनिस्टर के स्पीकर पास और भी डिप्टी इम्यूनिटी स्पीकर के है होते हैं, फॉर 2 ईयर, वे टू हाँ जी, ईयर्स के स्पीकर लिए और डिप्टी काफी स्पीकर के होते जो हैं वो आईनी होते हैं, वजीर आजम का होता है एक एग्जेक्टिव होता है, तो इसका इससे कम अज कम एक बहस खत्म हो जाएगी कि जो आईनी हाँ अहदेदार हैं अगर वो भी आईन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो सकती है। हाँ जी ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। हाँ तो ये बहुत सख्त एक तरह से ऑब्जर्वेशन उन्होंने दे दी, रूलिंग दे दी है, और इसको खैर मैं समझता हूँ इन्होंने ठीक नहीं किया है उसको, मतलब ही शुड हैव लेट इट गो और उसको नहीं छेड़ना चाहिए था, और मेरा ख्याल है एक अच्छा फैसला, एक अच्छी शुरुआत की है उन्होंने, बहुत सारे अच्छे फैसले दे रहे हैं, बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो वो खैर जो उनकी अदालत में पेश होता है उसकी सरजनिश बहुत करते हैं, और उनके टेम्परामेंट का इशू है, उनके टेम्परामेंट को लेके, काजी साहब के टेम्परामेंट को लेके लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पे डिबेट भी हो रही है, और फ्रैंकली मेरा भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ है। और ये आपको ये याद होगा राजा साहब, एक दफ़ा वो सदीक, अब वो जो हमारे दोस्त हैं सदीक जान साहब, उन्होंने एक उनके उनकी बेसिकली एक मठ भीड़ हुई थी काजी साहब के साथ, और एक ब्रॉल हुई थी, इंटरेक्शन इस तरह का हुआ था, तो मैं उस इंटरेक्शन का चशमदीद गवाह हूं, बल्कि मेरे साथ अच्छा ही बात कर रहे थे काजी साहब, ये इंटरेस्टिंग है, एक्सक्लूसिव भी हो जाएगा, कि मेरे साथ ही बात कर रहे थे और मैं उनके साथ खासी हम मीडिया के रोल पे, फिर मैंने उन्होंने मीडिया को क्रिटिसाइज किया, मैंने अदालत को क्रिटिसाइज किया कि भाई आप हमें तो कह रहे हैं कि मीडिया ये है वो है लेना देना बिछ जाता है, तो आपकी अदालतें क्या करती हैं, आपकी अदालतें तो हमसे भी ज्यादा बिछी होती हैं, हालांकि आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के सेवियर हुए लेकिन आप हमसे भी ज्यादा लेटे होते हैं। तो मेरी इस तरह की उनसे बात हो रही थी, तो फिर उस वक्त उन्होंने वो सदीक जान को बुलाया, लेकिन सदीक जान साहब ने जो अदरवाइज सोशल मीडिया पे डाला था वो गलत था, तो फिर मैंने उनकी करेक्शन भी की थी कि नहीं इस तरह से नहीं बात की थी काजी साहब ने, काजी साहब ने इस तरह से बात की थी, वो जो आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि मुसलमान हो अल्लाह पे यकीन रखते हो, इस तरह का उनका मुकालमा हुआ था, तो सदीक जान साहब ने थोड़ी सी मुबालगा आई उसमें की थी, तो वो फिर मैंने उसकी करेक्शन भी कर दी थी। तो बहरहाल काजी साहब को टेम्परामेंट पे जरूर गौर करना चाहिए, हमारा मुल्क पहले ही बहरानों का शिकार है, और काजी साहब इस मुल्क के लिए उम्मीद की किरण है, जिस तरह काजी साहब बहुत अच्छे और फैसले कर रहे हैं, बस वो आपकी आज बात के दुरुस्त है फैसले कि के वो बाद अगर भी फैसलों के जरिए बोले तो वो ज्यादा बेहतर है, उनके फैसले खुद ज्यादा बोले तो वो बेहतर ज्यादा बेहतर। एग्जैक्टली अच्छा, एक उस तरफ आता हूँ, जो एक खबर मैं भी कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से बिलखसूस मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये जो आइंदा इंतखाबात आ रहे हैं इसमें मुझे ऐसा कुछ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है कि जैसे एक के मुकाबले में सब होंगे, वन वर्सेज ऑल होगा। मुझे लग रहा है कि ये आसिफ अली जरदारी साहब, पीटीआई और दीगर छोटी जमातें, ये सब शायद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक इतिहाद बना के सामने आएंगे, और नवाज शरीफ एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ ये होंगे, तो आपको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है या आपकी ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ है इससे? हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मुझे वक्त दीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि कल राणा सईद खान है हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो कि पंजाब पीपल्स पार्टी के सदर है, उन्होंने कहा है कि जी हमारा पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो सकता है। अच्छा पहले देखते हैं कि अगर इत्तेहाद होता है तो पीटीआई को क्या फायदा होगा और पीपल्स पार्टी को क्या फायदा होगा। राज साहब अगर पीटीआई का पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो जाता है तो पीटीआई को जो इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है उसके पास, उसकी जो लेजिटिमेसी कॉम्प्रोमाइज हो गई हुई है इस वक्त, कि एक तरह से उसको लेजिटिमेट एंटिटी के तौर पे नहीं माना जा रहा, नहीं लिया जा रहा, इदारे उसको स्पेस नहीं देने के लिए तैयार है एज लेजिटिमेट पार्टी, लेजिटिमेट एंटिटी। तो पीपल्स पार्टी के साथ अगर वो जुड़ती है तो वो लेजिटिमेसी उनके पास आ जाएगी, ये फायदा पीटीआई को होगा। और पीपल्स पार्टी को क्या फायदा होगा, पीपल्स पार्टी को ये फायदा होगा कि चूंकि पीटीआई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर है पंजाब में और दिगर केपीके वगैरह और बाकी जगहों पर भी, तो उसको ये फायदा होगा कि वो जो पॉपुलैरिटी है, सीट एडजस्टमेंट अगर होती है
तो वो कोई 2, 4, 5, 10 सीटें ज्यादा पीपल्स पार्टी निकाल लेगी, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। पहली रीजन ये है कि पीपल्स जो पीटीआई का वोटर है, पीटीआई का हमेशा से नैरेटिव ये रहा है कि बाकी तमाम जमातें हमारे अलावा चोर हैं, आसिफ अली जरदारी तो बहुत बड़े चोर हैं और वो 10% है, इसलिए उनके साथ तो इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। तो एक चोर जमात के साथ अगर वो इत्तेहाद करेंगे तो उनको अपना कंप्लीट जो मेकओवर है वो अपनी पॉलिसी में ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी 360 डिग्री की राजा साहब, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक चीज, दूसरी चीज ये है उनका वोटर, उनकी सपोर्ट बेस इसको कबूल नहीं करेगा। तीसरी चीज, दूसरी तरफ हम पीपल्स पार्टी के एंड पे देखते हैं, पीपल्स पार्टी का भी वोटर जो है वो पहले वाला नहीं रहा है, वो भी पीटीआई को समझता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की गुमाश्ता है या एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे पल के इतनी तनावर हो गई है तो हमारा इसके साथ बैठना और गैर सियासी लोग हैं इनके साथ बैठना मुनासिब नहीं है। दूसरा वो ये समझते हैं कि ये गैर सियासी लोग हैं, इनका मुकालमे से कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई का, तो इसलिए हमें इनके साथ नहीं बैठना चाहिए। खबर दे दूं आपको, 2 दफा कम अज कम एस्टेब्लिशमेंट ने ये कोशिश की थी कि पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ बैठ जाए और जो हुकूमत में हिस्सा बन जाए, उनको 2 दफा कहा गया, इमरान खान साहब रजामंद थे, मैसेज भेजा गया पीपल्स पार्टी को, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप गवर्नमेंट में आ जाए, जनरल फैज साहब ने, जनरल बाजवा साहब ने उनको कहा कि आप हुकूमत के साथ कोलिशन गवर्नमेंट में पीटीआई के साथ आ जाए ताकि कुछ इनको आप चलाने में कामयाब हो जाएंगे, चला लेंगे, इनसे तो चल ही नहीं रही, तो वो नहीं उस वक्त नहीं बैठे थे। तो ये मुझे इसके मुमकिन एक और भी रीजन है, वो ये है कि पीटीआई इतनी बेवकूफ नहीं है, उसको पता है कि उसको कहीं ना कहीं स्पेस जरूर मिल जानी है, उसके डेफिनेटली उसके पास ऐसे लवाजमात मौजूद हैं, ऐसे कैटलिस्ट हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं। और आप ये देख लीजिएगा जितनी धांधली, जितनी जितना अनफेयर प्ले होना है, अनफेयर मीन्स यूज होने हैं, वो इलेक्शन से पहले यूज हो जाएंगे और इलेक्शन के करीब जाके ऐसा कोई बहुत बड़ा इनको टफ टाइम नहीं दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी कोई ज्यादती नहीं इनके साथ होगी। अच्छा, तो स्मूथ मतलब सा मैं थोड़ा सा मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा एक पॉपुलैरिटी वाली जी 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 आपका क्या टेक है? आपने जो पॉपुलैरिटी वाली बात की, मैं मुझे मेरा तजिया से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। देखें, पहली सिचुएशन ये थी कि जो पिछला इलेक्शन था वो तो गलियां सुंजियां करवा के मिर्जा यार को घुमाया गया था ना, इमरान खान के लिए आरटीएस भी बिठाया गया, बंदों को भी उठाया गया, पार्टी के टिकट भी वापस करवाए गए, फिर भी वो नहीं जीत सका तो आरटीएस बिठाया गया, फिर भी नहीं जीत सका तो जंगी तीन का जहाज चलवाया गया, तो फिर कहीं जाके बड़ी मुश्किल से मतलब ईंटे रोड़े इकट्ठे करके बनाया गया। इसलिए बावजूद इसके कि उसके पास खुला मैदान था, कोई मुखालिफ जो है उसको इलेक्शन का मेन तक चलाने की इजाजत नहीं थी, नवाज शरीफ साहब जेल में थे जी। पॉपुलैरिटी का जो एक बबल है ना, ये सब सारा सोशल मीडिया के ऊपर है। अगर आप हम ग्राउंड पे जाएं तो शायद उस तरह फर्क नहीं। और ये नवाज शरीफ के आने से पहले की सिचुएशन और थी, नवाज शरीफ के आने के बाद की सिचुएशन और है, क्योंकि नवाज शरीफ के फॉलोअर को या उसके वर्कर को एक डिसएडवांटेज ये था कि उसको बार बार इस सवाल को फेस करना पड़ता था कि जी आपका तो लीडर ही मुल्क से बाहर है। तो अब जब से वो पाकिस्तान वापस आए हैं, कतर नजर इस बात के कि बड़ा उनका जबरदस्त जलसा था। मेरा ख्याल है कि लोग अभी भी नवाज शरीफ साहब को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पंजाब में झाड़ू फेरने की सलाहियत रखते हैं और वो फेर जाएंगे। यही वजह है कि जरदारी साहब इस चीज को भांप गए हुए हैं और वो उस भांपने के बाद अब वो इस कोशिश में है कि एक ऐसा ग्रैंड अलायंस बना लिया जाए जिसमें जितना एंटी नवाशी वोट है, चाहे वो किसी भी वजह से है, चाहे वो पीटीआई की सूरत में है, चाहे वो कोई इलाकाई जमातों की सूरत में है, उस सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ताकि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब का मुकाबला किया जा सके। तो आप इस हवाले से क्या ख्याल है, नवाज शरीफ के आने के बाद के सिनेरियो के हवाले से? देखिए, 3-4 चीजें हैं, नो डाउट राजा साहब नवाज शरीफ साहब के आने के बाद चीजें बहुत चेंज हुई हैं और कोई 10-15% का फर्क पड़ा है। लोगों के जहनों में था कि बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना तो ग्राउंड पे मौजूद है, उसकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, उसकी सपोर्ट बेस कॉम्प्रोमाइज हो गई, एलिमिनेट हो गई है। तो ये तमाम जो परसेप्शन थी ये चेंज हुई है। जलसा बहुत बड़ा था,
कैनोनी की अब एक तरह से कह सकते हैं नाअहली थी कि उस जलसे को कामयाब नहीं और उस जलसे को नहीं कर सकी, क्या कहेंगे, कैश नहीं कर सकते। कैश नहीं कर सकी, बिल्कुल कैश नहीं, क्योंकि कैश की ओवरऑल शॉर्टेज है मुल्क में, तो मेरे जहन में वो देखिए लफ्ज आते आते भी देर लग गई जी। तो सही। वो कैश नहीं उसको प्रॉपर कर सकी। राजा साहब, आजकल जलसे से बड़ा पोस्ट जलसा एक्टिविटी होती है राजा साहब। आप पीटीआई के जितने मर्जी बड़े जितने जलसे देख लें, उसमें आप देखेंगे कि पोस्ट जलसा ज्यादा बड़ी एक्टिविटी के तौर पे लिया जाता है और उसको प्रॉपर ग्लैमराइज किया जाता है और उसको प्रॉपर मैनेज किया जाता है। वो नहीं कर सके, इतना बड़ा जलसा पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कम हुआ हो। देखें, 1 लाख के करीब बंदा तो आपका मैदान पाकिस्तान में था, 60-70 किलोमीटर दूर तक गाड़ियां खड़ी। मेरे अपने बहुत सारे जलीस दूर हैं, दोस्त हैं नून लीग के, वो देखें वो खुद अकेले अकेले जाके पहुंचे और 2-2 हजार बंदा उनका कहीं रास्ते में ही रह गया, बसें ट्रक्स और वो कई लेके काफले गए तो उनकी रास्ते में गाड़ियां, रुके, वो और पहुंच नहीं इतना सके। बड़ा इट्स जलसा था। ह्यूज, नो डाउट अबाउट इट। हाँ, तो वो एक बड़ा जलसा था। फिर दूसरी चीज ये है कि नो डाउट, दूसरी आप जो बात कह रहे हैं कि पॉपुलर नहीं है पीटीआई, ऐसी मैं बात बिल्कुल नहीं, आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। पीपल्स पीटीआई पॉपुलर है और बहुत पॉपुलर है, और पीटीआई से भी ज्यादा पॉपुलर महंगाई है। महंगाई पीटीआई से पॉपुलर है और पीटीआई बहरहाल पॉपुलर है। तो महंगाई के जो 16 महीने गुजरे हैं और एक तरह से जो इमरान खान की नाअहली का और पीटीआई की गवर्नमेंट की नाअहली का जो बोझ जो 16 महीने की गवर्नमेंट ने उठाया, उसका बहुत ज्यादा नून लीग को नुकसान हुआ है। लेकिन ना कि नून लीग हर बाई इलेक्शन जीत रही थी, 14 में से 13 बाई इलेक्शन जीत गई थी और इतने पॉपुलर हुए हुए थे, तो ये नौजवान नस्ल कहाँ थी, उधर ही थी ना भाई। ये जो कहा जाता है कि नौजवान नस्ल वो इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान बहुत पॉपुलर हो गए, तो महंगाई बेसिकली पॉपुलर हुई है। और फिर ऊपर हाँ, नीचे महंगाई का चलते बहुत बड़ा फैक्टर लोकल, है, नो डाउट। हाँ, और फिर ऊपर नीचे, अच्छा भला सफेद पे पोश जो आदमी है वो कॉम्प्रोमाइज हो गए अपनी इज्जत के एतबार से भी, अपने फाइनेंसिस के एतबार से वो एक तरह से नंगा हो गया बेचारा, वो उसको उसको बड़े सारे मसाइल का सामना है। तो ये चीज है। दूसरी तीसरी चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब क्लीन स्वीप कर लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ना हो सकता है, ना मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड है पंजाब में, अच्छा खासा है, लेकिन पीपीएमएल को सीट्स मिलेंगी, अच्छी खासी सीट्स मिलेंगी और डेफिनेटली पीटीआई से ज्यादा ही मिलेंगी और ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगे। और ये कहना कि पीटीआई बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। और मेरा मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं नहीं, मेरा थोड़ा कहना बहुत का ये अगर मकसद मदर नहीं कि वो अनाउंस पॉपुलर नहीं है। मेरा कहना का मकसद है कि जितना कहा जाता है उतना बड़ा बला नहीं है वो। हाँ, वो देखिए मैं आपको चले, मैंने एक आध दफा और भी कहीं बात की है, खबर शेयर कर लेता हूँ कि जो 2022 के जिमनी इंतखाबात थे, जो 20 में से 15 सीटें पीटीआई ने जीती हैं, वो धांधली से जीती थी, उनको जतवाया गया था बेसिकली ना, और नून लीग उसका दबाव लेके बैठी हुई है। तो मैं वो एक कभी किसी वक्त मुझे टाइम मिला कुछ चीजें वीजें करके, तो वो पूरी स्टोरी बहुत जबरदस्त और बड़ी स्टोरी बनती है, तो वो बड़ी जबरदस्त उसमें ये जो आप स्टोरी है। बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, उसमें एक और फैक्टर भी था कि चूंकि मुस्लिम लीग नून ने टिकट पीटीआई से आने छोड़ के आने वालों को दिए हुए थे, तो हर हलके में एक बड़ा मसला ये था कि जो वोटर था वो कहता था यार जिस बंदे के खिलाफ हम 5 साल जंग लड़ते रहे हैं उसको हम जाके किस तरह वोट देते। ये भी एक बड़ा हाँ, फैक्टर था। इवन इन सम केसेस 10-10 साल 15-15 साल नून लीग लोगों के खिलाफ लड़े हैं, नून लीग के कैंडिडेट्स लड़े हैं, नून लीग का वर्कर लड़ा है, तो फिर उन्हीं लोगों को टिकट्स दे दिए, तो उनके पास दे डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन, वो या घर बैठ गए हैं या अदरवाइज उन्होंने कोई और डिसीजन ले लिया, तो इस तरह के मामला रहे हैं। तो बहरहाल हाँ, पीटीआई उसमें अच्छे, उन सीटों में पीटीआई के जितने भी आपके दोस्त जनरल बाजवा साहब का भी बड़ा रोल था जी। हाँ अगर आपको ऐसा लगता है तो अगर आपके पास इनमें, आप बड़े वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं, अगर आपके पास कोई खबर है कोई इंफॉर्मेशन है तो आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन बाजवा साहब तो उस वक्त ऑलराउंडर की तरह खेल रहे थे ना, विकेट के चारों तरफ स्टोक लगा रहे थे, एक स्टोक पीटीआई के हक में लगा देते थे, एक नून लीग के हक में लगा देते थे, एक हाँ पीपल्स पार्टी के हक हाँ में हाँ लगा वो देते थे। अच्छे आखिरी अच्छे जो उनके प्लेयर पांच हैं, छह अच्छे मिनट थे वो तो प्लेयर बड़ा हैं, जबरदस्त खेले। हाँ अच्छे ऑलराउंडर है, अच्छे ऑलराउंडर है, तो उसकी वजह से देखें वो जो जिमनी इंतखाब हुआ है उसकी वजह से नॉन लीग खासे दबाव का शिकार है कि भाई
हम शायद हम ऑन ग्राउंड है ही नहीं, उसकी वजह से जो नून लीग का वर्कर है उसका हौसला, उसकी मोटिवेशन, उसकी डेडिकेशन, उसकी पार्टी के साथ कमिटमेंट, वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो जब ये चीज होती है तो वो फिर पार्टी को उसका बड़ा नुकसान होता है, उसके रैंक्स एंड फाइल नुकसान जो होता है, है लेकिन वो नवाज स्कैंडल शरीफ हो के आने से कुछ ना कुछ स्कैंडल वो हो गए उनके स्कैंडल हो वोटर गए। जो सपोर्टर्स को हौसला जरूर हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और अभी नवाज शरीफ जब निकलेंगे और एक मतबर के तौर पे, मेरा ख्याल है, मैं तो कहूंगा कि वो इमर्ज हुए हैं, और जिस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त मैसेज दिया है, खैर सगाली का पैगाम दिया है, सारे अपने पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स हैं उनको भी, पॉलिटिकल जो अलायंसेस हैं उनको भी, और उन्होंने बाकी लोगों को बिलखसूस भी। अपने सियासी मुखालिफिन का जिक्र ना करके उनको एक तो अपना घर बड़ा किया, दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि वो इस लेवल से आगे जा चुके हैं। चलें हाँ एग्जैक्टली, बड़ी खूबसूरत बात की है, ऐसा ही है, 100% सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मित्र साहब, आपसे गपशप करके बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन वक्त जो है वो पहले ही हम अपने मुकर्रर वक्त से 8-10 मिनट आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आप गुफ्तगू इतनी अच्छी कर रहे थे कि हमारा दिल नहीं चाह रहा था कि हम इसके मामले को खत्म करें। नाजीन आज के प्रोग्राम इतना ही, मुझे और शायद मेतला साहब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।